हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल टू रास्ता। आज है दोस्तों एक समय जानकारी के साथ। आज का जो हमारा वीडियो है हमारे व्यूअर्स के कमेंट पे है, जो कि आप यहां देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि सर, कमेंट में किया है कि सर, उज्ज्वला कनेक्शन इस दूसरे के नाम से ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं, मतलब कि उज्ज्वला कनेक्शन ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं, इस पे संपूर्ण जानकारी वीडियो है। साथ ही साथ मैंने इसके ऑफिसर से जो है बात करा है, वो भी आपका लाइव रिकॉर्डिंग इसमें सुनाने वाला हूँ। साथ ही साथ बहुत से ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो ये कहेंगे कि ये बात जो है करके फेक वीडियो बनाए हुए हैं, तो उनके लिए मैं नंबर दे दूंगा। लाइव डायरेक्टली आप भी बात करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। एक्चुअली जो समस्या मैं उनसे बता के बात करा, वो मेरा समस्या नहीं था, चूंकि मैं तो उज्ज्वला कनेक्शन उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास जनरल कनेक्शन ऑलरेडी है पहले से, लेकिन मैं उनसे बताया ऐसा ताकि उनसे मुझे जानकारी लेना था और आप लोग के साथ शेयर करना था। तो जो ये समस्या है इनका कि दूसरा, उसमें ये भी बताया गया है कि इसमें क्या चार्ज लगेगा, क्या नहीं लगेगा, सारा कुछ ला भी। चलिए चलते हैं सीधा रिकॉर्डिंग सुनते हैं। नमस्कार, आपका इंडिया में स्वागत है। मैं रितेश, किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? नमस्कार सर, आप इस प्रकार सहायता कर सकते हैं कि एक उज्ज्वला कनेक्शन है जो उज्ज्वला उपभोक्ता है, कनेक्शन धारक की मृत्यु हो गई है, तो उनके फैमिली मेंबर में जैसे उनके पति के नाम, बच्चे के नाम या उनके बेटी के नाम, ये कनेक्शन ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये जानकारी चाहिए सर। जी सर, ये उज्ज्वला कनेक्शन किसके नाम पे था? वो माता जी के नाम से है। जी, तो उनके उनके हस्बैंड है सर? हैं, हाँ हस्बैंड है, उनके नाम से हो जाएगी। जी, ये उनके हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा सर। तो जैसे एजेंसी में जाते हैं तो कहते हैं कुछ वाला कनेक्शन है, ट्रांसफर नहीं होगा, कुछ पैसा लाइन पे। जी जी, आप किस कंपनी का सिलेंडर यूज करते हैं? इंडियन एचपी भारत? इंडियन इंडियन सर। इंडियन, आपने जिस नंबर से कॉल किया आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है? ये दूसरा, ये तो मेरा जनरल वाले में रजिस्टर। हाँ जी, तो रजिस्टर मोबाइल नंबर बता दीजिए। उनका रजिस्टर नंबर, नंबर उनका एड नहीं है सर, अपडेट नहीं है, पुराना कनेक्शन बहुत पहले लिया था, जो 16 में जो चालू हुआ था ना। जी जी जी, उस टाइम उनका कनेक्शन दिया हुआ था। जैसे मैं जी तो चाहता हूँ आप मुझे बता दीजिए सिर्फ कि होगा या नहीं होगा, या इसके लिए और कहीं बात करना पड़ेगा? नहीं नहीं सर, अगर उनके हस्बैंड अभी हैं सर जीवित, तो उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है सर। अब बच्चे के नाम पे? नहीं नहीं सर, अगर आप हस्बैंड अभी जिंदा है सर, तो अभी जीवित हैं तो उन्हीं के नाम पे ट्रांसफर होगा, बच्चे के नाम पे नहीं सर। मान लीजिए हस्बैंड भी नहीं है तो उनके पुत्र पुत्री के नाम से हो सकता है? जी, लाइन पर आपको जानकारी दी। लाइन पर, लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सर। जी सर, अगर देखिए जो आप बता रहे हैं माता जी, अगर उनके हस्बैंड जिंदा है तो सर पहले उनके उनके सॉरी सर हस्बैंड अगर हैं तो फिर हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर होगा, बच्चे के नाम पे नहीं। अगर इनकेस अगर अगर पिताजी नहीं है तो फिर बच्चे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है सर। उसके लिए क्या मतलब डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, क्या उसमें कुछ पैसा भी लगता है? नहीं नहीं सर, ट्रांसफर के लिए आपका कोई भी नहीं लगेगा सर। ठीक है सर, कोई चार्ज नहीं? नहीं नहीं, कोई भी चार्ज नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यही जानकारी चाहिए। इंडियन ऑयल में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।